So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue with our important numericals of chapter financial statement. So this is part 2. हमने part 1 में भी इसके important numericals किए थे and now we will continue. So next important numerical is calculate gross profit, net profit, operating profit from the following. So हमें ये कुछ balances दिए हुए हैं, means सारी entries दी हुई हैं. इसमें हमने gross profit, net profit and operating profit find करना है. और last में हमें closing stock भी दिया हुआ है. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है तभी हमें उसकी वैल्यू कंसीडर करनी होती है, नहीं तो नहीं करनी होती. सो इसमें हम कंसीडर करेंगे. एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से, आप सबको पता होगा. नेट प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक अलग से फॉर्मूला होता है, हम उससे इसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसको सॉल्व करने की, कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा हम उसके आगे टी लगा देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा उसके आगे पी लगा देंगे, देन सब बैलेंसेस को जस्ट नोट कर देंगे उसके अकाउंट में. सो लेट्स स्टार्ट. ओपनिंग स्टॉक किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, टी डाल दिया. परचेज किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में. सेल किस में जाएगा, ट्रेडिंग. नेक्स्ट इज परचेज, रिटर्न भी ट्रेडिंग में जाएगा, सेल रिटर्न भी ट्रेडिंग में. वेजेस किस में जाएंगे, ट्रेडिंग में, बिकॉज इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग में जाएगा. कैरेज आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, दिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी से हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नेक्स्ट इज ऑफिस लाइटनिंग, दिस विल ऑल्सो गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वाई दीज ऑल आर गोइंग, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑफिस लाइटनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस बाय फायर, लॉस जितने भी लॉस होते हैं वो हम किस में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब डेबिट साइड. नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस किस में जाएगा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब हमें डिविडेंड मिला ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज आर इनकम, दिस विल ऑल्सो गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड. गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, ऑल विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट मिला हमें लॉन्ग टर्म लोन्स पे, मतलब हमने किसी को इंटरेस्ट दिया लॉन्ग टर्म लोन्स पे, दिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दिस विल ऑल्सो गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब हाफ टेबल जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम, एंड बाकी सारा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में. अगर बैलेंस शीट होती तो बैलेंस शीट में भी जाता ये, ठीक है. अब हम जस्ट क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पुट कर देंगे ये सारी वैल्यूज, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को लेके हम नेट प्रॉफिट भी निकाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन राइट हियर, ट्रेडिंग अकाउंट. सो हियर इट इज ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट मेक फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, सो फॉर्मेट इज ऑल्सो डन. नाउ वी हैव टू पुट दिस, ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है. सो टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा. मैं बीच बीच में शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करूंगी, सो जस्ट यू हैव टू राइट इट फुल, बट आई विल यूज द शॉर्ट फॉर्म. नेक्स्ट इज परचेज. अब परचेज इसमें से हम क्या करेंगे, लेस रिटर्न, रिटर्न जो परचेज रिटर्न है उसको हम माइनस कर देते होते हैं. सो हियर इट इज परचेज रिटर्न, ये 30,000 की है, ये 1,000 का है. परचेज है 30,000 की, दिस इज 1,000, सो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा कितना आ जाएगा, 29,000, विच यू हैव टू राइट हियर. मतलब आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो और इसको यहाँ पे भी लिखना है, क्लियर. नेक्स्ट इज आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, नेट परचेज यहाँ पे लिख सकते हो आप. नेक्स्ट इज सेल, अब सेल इस साइड आता है, बाय सेल. अब मैं बाय टू बीच बीच में अगर ना डालूं, पर आपने जरूर डालना है. इसमें से भी लेस रिटर्न, सो इसमें भी आप सेम ऐसे डायरेक्ट करके लिख देना, मैं सीधा वैल्यू डाल रही हूँ यहाँ पे. सो सेल 60,000 की, रिटर्न 2,000 का, सिंपल 58,000 हमारी वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट इज सेल हो गया, सेल रिटर्न हो गया. नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी यहीं पे आएंगे. वेजेस कितने के आएंगे, 1,000 के. नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी यहीं पे आएगा, कैरेज इनवर्ड. सो आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट फॉर्म, कैरेज इनवर्ड है हमारा 1,000 का. एंड बाकी सारे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे हैं. ये लास्ट पे एक है क्लोजिंग स्टॉक, ये हम डाल देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक. ये कितने का है, ये 8,000 का है, सो वी विल पुट हियर 8,000. नाउ वी जस्ट हैव टू टोटल, जौन सी साइड ज़्यादा आ रही है
उससे हमें क्या करना है, दूसरी साइड उसके बराबर की करनी है जिससे हम उसको डिडक्ट करके. सो लेट मी शो यू, 58 + 8000 इज 66000. अब इसका टोटल कितना आ रहा है, 66000. एक बारी हल्का हल्का लिख लो. अब क्या करो, दूसरी साइड का भी टोटल करो, 15000 + 29000 + 1000 + 2000 = 17000 + 29000 = 46000. अब इसका टोटल हमारा आ रहा है 46000, इसका आ रहा है 66000, मतलब ये ज़्यादा है. तो इसको एज इट इज़ लिख लो. और इसको भी हमने दोनों का टोटल बराबर करना था, इसको भी 66000 लिखो. यहाँ पे लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसका टोटल क्या आ रहा है 46, इसका क्या आ रहा है 66, तो ये आ जाएगा 20000. नेक्स्ट इज आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जस्ट राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके, नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज विच हैव पी इन फ्रंट ऑफ इट. क्लियर? सो फर्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड. सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट को डाला करो यहाँ पे. ये कि चीज कभी नहीं बोलनी, यहाँ पे डालो बाय ग्रॉस प्रॉफिट. कितना आया था हमारा 20000. सो जस्ट पुट हियर 20000. अब क्या करो, यहाँ की वैल्यूज डालो. सबसे पहले क्या है, कैरेज आउटवर्ड. सो पुट हियर टू कैरेज आउटवर्ड. कितना आया, आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट इट फुल, 2000. नेक्स्ट इज हियर सैलरीज. सैलरीज कितने की हैं हमारी, देखो यहाँ से. ओके, सो सैलरीज हमारी कितने की हैं, यहाँ से देख लो, 4000. नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे ऑफिस लाइटनिंग, इसको भी लिख लो. चलो पहले सारे लिख लेते हैं, फिर हम सबकी क्या डाल देंगे, अमाउंट्स डाल देंगे. जस्ट हम क्या करना, देख देख के लिखना है फटाफट. लॉस बाय फायर. लॉस बाय फायर. नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ, आई एम जस्ट राइटिंग बी हेयर, बिल्डिंग इज देयर. ओके, नेक्स्ट इज डिविडेंड. आई एम जस्ट राइटिंग हेयर डिविडेंड, यू हैव टू राइट इट फुल. नेक्स्ट इज गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. आई एम राइटिंग हेयर एम, यू हैव टू राइट इट फुल. नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड. अब जो कमीशन रिसीव, अच्छा ओके ओके, ये जो गेन है और जो डिविडेंड है, मैंने फ्लो फ्लो में यहाँ पे लिख दिया. ओके, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट पे, तो ये किस साइड आएगा, ऑन अनदर साइड हियर. वो हम सारे लिख रहे थे, फ्लो फ्लो में लिखा गया. ओके, ऑफिस लाइटनिंग कितने की है, 2500. ये है 3000 का एंड ये है 4000 का. इसके बाद जो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें डिविडेंड मिला, इट इज ऑन, इट इज आ इनकम. ओके, ये सो इस साइड आएगी डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट मींस. सो ये है 3000 की. नेक्स्ट है गेन. गेन ऑन मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सो आई एम राइटिंग हेयर ओनली एम, 6000 की है. नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड, और हमें कमीशन मिला है. ओके, सो कमीशन रिसीव्ड हमारा किस साइड आएगा, प्रॉफिट साइड. सो कमीशन रिसीव्ड एंड द अमाउंट इज 3000. कमीशन पेड, अब हमने कमीशन पे की है, सो कमीशन पेड दिस इज 1000. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स. अब हमने इंटरेस्ट पे की है, सो इंटरेस्ट, आई एम ओनली राइटिंग हेयर इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कितने का है, 3000 का. नेक्स्ट इज रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस. सो जस्ट वेट. ओके, सो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, दिस इज आवर लास्ट, यू कैन सी हियर. सो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कितने की है यहाँ पे, 4500. तो यही हमारा बन जाएगा सारा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे. अब हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट. तो जिस साइड ज़्यादा अमाउंट है उस साइड की अमाउंट लिख के, जिस साइड कम अमाउंट है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे. अगर इस साइड आया तो वो नेट लॉस होएगा. ठीक है, सो अब इसको पहले ऐड कर लेते हैं कि इसका सम कितना आ रहा है हमारा. इसका आ रहा है 24000 एंड इसका आ रहा है 32000. तो दिस इज मोर, सो इसमें से हम अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो इसका आ रहा है 32000. सो आई विल राइट हियर. ओके, हियर. सो इसका सम आ रहा है 32000. ओके, एंड इसका सम क्या आ रहा है, 24. तो 24 को जब हम 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 8000 हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट. सो इसका टोटल भी क्या आ जाएगा, 32000. आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू. अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो हमने फाइंड कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट, हमने फाइंड कर लिया नेट प्रॉफिट, अब हमने क्या फाइंड करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट.
ओके सो नाउ लेट्स फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो नॉन ऑपरेटिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले तो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हम अपना बिजनेस करके कमाते हैं. जैसे हमने यहाँ पे देखो, हमने सैलरीज पे की, दीज आर आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, जो इनके अलावा होते हैं. जैसे हमने रेंट पे किया, अपना टैक्स पे किया, इनकम टैक्स पे किया, ये सारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है. मींस रेंट, अब हम जहां पे रह रहे हैं हमने उसका रेंट पे किया, ये बिजनेस से तो कोई रिलेटेड नहीं है. सो ये सारे एक्सपेंसेस इसके अंडर आते हैं. सो देखो यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 8000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. अब इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी, अब ये देखते हैं. सो देखो ये सारी तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम या फिर एक्सपेंस. अब ये देखो यहाँ पे आके डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ इन्वेस्ट कर लिया वैसे ही साइड बाय साइड और हमें कुछ उस पर डिविडेंड मिल गया, ये हमारी अर्निंग है, मतलब इनकम है. और ये नॉन ऑपरेटिंग है, सो ये कितने की है, 3000. तो इसमें 3000 डिडक्ट कर दो. नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन. मशीनरी हमारा काम तो नहीं है रोज का, हमारा बिजनेस तो नहीं है, हमने वैसे ही कोई मशीनरी अपनी घर पे पुरानी पड़ी थी उसको सेल कर दी, उससे हमें गेन हुआ. सो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. सो ये हमारी क्या है, 6000. तो 6000 डिडक्ट कर दो. अब नेक्स्ट देखो, अब एक्सपेंस देखो कौन कौन सी है यहाँ पे. सो देखो सबसे पहले तो एक्सपेंस, लॉस बाय फायर. अब फायर से लॉस हो गया, अब इसमें बिजनेस का तो कोई रोल नहीं, हमारा खुद का लॉस हुआ है. सो देखो दिस आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो दिस इज ऑफ 3000. तो इसमें ऐड कर दो 3000 एक्सपेंस हमने ऐड करने हैं. नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. अब सेम एज मशीन, हमारा बिल्डिंग कोई हमारा बिजनेस तो नहीं है, हमने वैसे ही साइड बाय साइड कोई बिल्डिंग सेल की, हमारी पुरानी बिल्डिंग होएगी और उससे हमें लॉस हुआ, सो दिस विल ऑल्सो ऐड. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स. अब देखो हमने कोई वैसे ही अपना लोन लिया था अपना कर्जा वगैरह उतारने के लिए, सो उसमें हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया. सो ये कोई बिजनेस का तो नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये 3000 भी हमारे ऐड हो जाएंगे. नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट और कोई भी नहीं बचा, देखो सारे हो गए यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स, जो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग थी वो सारी होगी. बाकी सारी क्या ऑपरेटिंग है, ऑफिस की लाइटनिंग का बिल पे किया ऑपरेटिंग है, सैलरीज पे की वर्कर्स को, रेंट पे किया ऑफिस का, रेट्स, टैक्सेस, टैक्सेस पे किया गवर्नमेंट के जो हमारी इनकम के ऊपर आते हैं, सब कुछ क्या है हमारा ऑपरेटिंग है. जो नॉन ऑपरेटिंग था हमने यहाँ पे लिख लिया, जस्ट कैलकुलेट इट. सो दिस इज 8000 माइनस माइनस प्लस सिंबल ग्रेटर वाला माइनस, सो 6 + 3 इज 9000 प्लस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000. सो हियर 8000 प्लस 10,000 माइनस 9000 इज 1000, दिस इज 9000. सो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 9000 का. जस्ट आपको ये पता होना चाहिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सी है. इनकम को डिडक्ट कर दो, एक्सपेंस को ऐड कर दो, जिससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. सो आई होप सो दिस न्यूमेरिकल इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट भी आ गया, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमने फाइंड कर लिया. ओके सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके सो नाउ लेट्स सी सेकंड न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ फॉलोइंग. ओके ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग balances extracted from the books of Miss Rajiv and Sons for the year ended March 31, 2019. Okay, so हमें इसमें क्या करना है, हमें gross profit calculate करना है और operating profit calculate करना है. तो मैंने जैसा कि आपको formula बताया था operating profit का, so उस formula में हमें क्या given था, net profit minus non-operating जो भी उसका formula था उसमें हमें क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट. बट यहाँ पे क्या गिवन है हमें, नेट ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कि हमें फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जितने भी अमाउंट्स हैं इन सबसे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट से हम बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी अमाउंट्स आने चाहिए वो सब यहाँ पे अवेलेबल है. सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे. सो अगर अभी भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको सब समझ आएगा. देखो सबसे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके. सो देखो राइट हियर फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके दिस इज डन. देन यहाँ पे क्या गिवन है हमें, ओपनिंग स्टॉक. हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक. टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है ये, 50,000 का. दिस इज ऑफ 50,000. पहले ये जो भी न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे शो करती हूँ ना, पहले इसको खुद से करके देखा करो, आपको क्या समझ आ रहा है. अगर नहीं समझ आता फिर वीडियो को आगे देखा करो. ओके
फर्स्टली डू इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इज नेट सेल. हमें नेट सेल भी चाहिए यहाँ पे. नेट सेल क्या होता है? नेट सेल मतलब सेल में से हमने सेल रिटर्न को भी डिडक्ट कर रखा है पहले से. सो बाय नेट सेल मीन्स हमें टोटली सेल मिल गया रिटर्न वगैरह डिडक्ट करके, दैट इज 11 लाख हमने इतनी सेल की है. नेक्स्ट इज नेट परचेज भी हमें मिल गया. सो टू परचेज आ जाएगा यहाँ पे. नेट परचेज परचेज ओके एक ही बात है. बस नेट परचेज में क्या है, हमें रिटर्न्स डिडक्ट करके दिए होते हैं. परचेज इज द नॉर्मल परचेज. ओके अब हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम यहीं पे लिख देते हैं. हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें लिखने होते हैं. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 60,000. अब देखो और क्या है इसमें. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये हम नहीं डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस. दिस इज ऑल्सो लॉस, ये भी नहीं डालते हम. क्लोजिंग फायर ओके, दिस इज रिटन बाय मिस्टेक. हियर इट इज क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक कितने का हमारा, 70,000 का. सो क्लोजिंग स्टॉक को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 70,000. अब हमें क्या करना है, जिस साइड ज्यादा अमाउंट है उस साइड अपना ग्रॉस प्रॉफिट डाल देना है. सो देखो इसका टोटल आ रहा है 11,70,000, इसका आ रहा है 7,10,000. जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये वाला कम आ रहा है तो इधर साइड आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका टोटल क्या आ रहा है, 11,70,000. सो हियर इट इज 11,70,000. अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 7,10,000, उसको डिडक्ट कर देंगे 11,70,000, बिकॉज दोनों साइड का बैलेंस सेम आना चाहिए लास्ट में. सो इसको डिडक्ट करके हमारा प्रॉफिट आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट 4,60,000. आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. नाउ हमें इन्होंने और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, यहाँ पे हमें फाइंड करने के बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस. पहले हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किया था, तो उससे बिल्कुल उल्टा है ये फॉर्मूला, प्लस ऑपरेटिंग इनकम. जस्ट दिस इज योर फॉर्मूला. बहुत कम बच्चों को पता होता है, नहीं पता कॉपी पे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कुछ भी करो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार याद है पेपर में. ओके सो दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम. अब देखो इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ चुका है 4,60,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो हमने बिजनेस में से पैसे कमाए हैं या फिर बिजनेस के लिए खर्चे किए हैं. एक्सपेंस मीन्स बिजनेस के लिए जो खर्चे किए, इनकम मीन्स जो हमने बिजनेस में से कमाए हैं. सो देखो कौन कौन से हैं. अब देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम कुछ सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेसिकली अपनी सेल को एनहांस करने के लिए कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो हम इसमें से माइनस कर देंगे हमारा एक्सपेंस 65,000. नेक्स्ट इज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. ये भी हमारा बिजनेस के रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी हम माइनस कर देंगे 45,000. अब इसमें से कोई हमारी इनकम तो है नहीं, क्योंकि ये भी लॉस हो रहा है हमारा. और ये लॉस बाय फायर क्या होता है, ये हमारी कौन सी होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ये हमारा. एंड दिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल ऑल्सो नॉट कम. नेक्स्ट इज नेट परचेज नो. सिर्फ यही दो आएंगे. सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस सिंबल ग्रेटर वाला माइनस 1,10,000. नेक्स्ट इज इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3,50,000. आई होप सो दिस न्यूमेरिकल इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So इस video में हमने किए तो सिर्फ दो numericals हैं, but इसमें बहुत important concepts cover हो गए हैं. I hope तो आपको इसके कुछ ना कुछ तो new पता चला ही होगा, because इसमें बहुत new entries भी थी and हमें operating profit का नया formula भी पता चला, अगर आपको नहीं पता था पहले. So just stay tuned. अभी इसका part 3 भी आना है. So मैंने important MCQ series की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड होगी. सो आप उससे पार्ट 1 भी देख सकते हो. और उस इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज में हम सारे अकाउंटेंसी के चैप्टर कवर करेंगे अभी. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करके रख लो, और बेल और नोटिफिकेशन को पक्का क्लिक कर देना, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ पाएगी. और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू. ओके बाय.